तेरी है जमीन। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। दिन की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। हम जो कुछ पाना चाहते हैं तो हम किसी शक्ति से मांगते हैं, तो हम मांगते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जिसका आशीर्वाद मिलेगा तो हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तो तेरी है जमीन इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही अटूट विश्वास प्रकट हुआ है। तो बच्चों, हम अब इस कविता का पहले गान करेंगे, तो सुनो। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमी, तेरा आसमां, जमी जमी यानी कि जमीन और आसमां यानी कि आसमान। तेरी है जमी, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़ा मेहरबान, मेहरबान यानी कि दयालु, तुम बड़े दयालु हो। तू बख्शीश कर, बख्शीश करना यानी कि क्षमा करना। तो हमारे किसके लिए क्षमा करना, तो हमारे अपराधों के लिए तू हमें क्षमा करना। सभी का है तू, सभी तेरे, तुम सबके है हो और सब तुम्हारे है। खुदा मेरे तू बख्शीश कर, खुदा यानी कि ईश्वर भगवान, तू बख्शीश कर, तू हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक, ए मालिक, मालिक यानी कि है दुनिया के मालिक, तेरी मर्जी से यानी कि तुम्हारी इच्छा से
हम इस दुनिया में आए हैं, तो तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने, रहमत यानी कि कृपा, दया, तो तेरी कृपा से ही हमें यह जिस्म, जिस्म यानी कि शरीर, और जहाँ पाए हैं यानी कि प्राण मिले हैं। तेरी रहमत से यानी कि तुम्हारी कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना, नज़र यानी कि कृपा दृष्टि, तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तो हम किस हालत में है इसकी हमेशा तुम खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो। तू चाहे तो हमें मारे, तुम चाहो तो हमें मार डालो। तेरे आगे झुका के सर, सर यानी कि सिर, तो आज हम सब तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़े हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले यानी कि सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान तू चाहे तो हर आफत टाले, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो। तो भगवान हमें संकट से बचाते हैं, हमें संकट से छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता तो हम ईश्वर को याद करते हैं और वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तो इस कविता द्वारा हम भगवान की, ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार करते हैं।